गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या नाम है? वर्क पावर एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे? वर्क से। किससे स्टार्ट करेंगे? वर्क से, फिर एनर्जी पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे पावर। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कौन सा? वर्क। कौन सा? वर्क। अब वर्क पहले पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली वर्क है क्या सर। ठीक है, तो अगर वर्क की बात करें तो हम डे टू डे लाइफ में ये जो वर्ड है वर्क, ये जो वर्ड है वर्क, इसको हम बहुत ही ऑफन यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपके पापा ऑफिस जा रहे होंगे तो वो ये बोलते कि आई गो टू वर्क, है ना। या आप बोलोगे कि भाई हमारी बुक्स में बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हम वर्क वर्ड यूज करते हैं, वर्कआउट सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो हम हाँ मतलब वर्क के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम डे टू डे लाइफ में एग्जांपल है, मान लीजिए कि आज आपकी छुट्टी है। क्या है? छुट्टी, हॉलीडे है आपका आज। तो आपने क्या सोचा यार कि आज मैं अपने रूम को एकदम अरेंज करूंगा। क्या करूंगा? अरेंज। ठीक है, तो आपने क्या करा? सुबह उठे आप, ठीक है, नहाए धोए फिर, ठीक है, और आप अपने रूम में आ गए। पहले आपने आपकी सारी बुक्स जमा दी, फिर सारा रूम अरेंज कर दिया। ठीक है, फिर आपकी इच्छा हुई कि मैं थोड़ी देर पढ़ भी लेता हूँ। ठीक है, फिर आपने इच्छा हुई कि चलो थोड़ी मम्मी की हेल्प कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको लगा कि नहीं यार अभी तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, आज मेरा मन है, चलो आज मैं घर को भी अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे फिर लास्ट में कि आज तो मैंने बहुत ही ज्यादा काम किया है। ठीक है, टुडे आई हैव वर्क अलॉट, या मैं बहुत वर्किंग या हार्ड वर्किंग करी मैंने आज, ऐसा बोलते हैं हम। ठीक है, पर अगर हम साइंस की बात करें, किसकी? साइंस में, जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, साइंस में फिजिक्स। ठीक है, तो वहां पर जो वर्क है ना उसका एकदम ही टोटली अपोजिट मीनिंग है, एकदम अलग मीनिंग है। साइंस में क्या बोला जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले वर्क के लिए, जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने सर पर कोई वजन रखे खड़ा है, या आप ही मान लीजिए कि आप आपके सर पे कोई सामान लेके खड़े हैं, तो क्या होगा? थोड़ी देर में आप थक जाएंगे, आपकी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। पर फिर आप क्या बोलोगे? सर मैंने उसको उठा के रखा था तो मैंने वर्क किया है। ठीक है, पर साइंस में इसको वर्क नहीं बोलते, तो फिर किसको बोलते हैं? साइंस में वर्क तब बोला जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगे फोर्स लगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी मेन पोजीशन से, अपनी पोजीशन से कहूं आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि पहले यहां पर था अब यहां पर आ गया है। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे मूव कर गया है, कब? जब इस पर फोर्स लगी गई है, तो वर्क, अगर हम फिजिक्स में बात करें तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट क्या करे? अपनी पोजीशन से आगे मूव करे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि वर्क दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला हो जाता है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड displacement made by the object। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, इन दोनों में से फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट कर देंगे, ये बता देता हूं मैं, और डिस्प्लेसमेंट को किसी बुक्स में स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होता है और किसी में स्मॉल एस से। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो स्मॉल डी या स्मॉल एस, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन वैलिड है। ठीक है, तो ये बात समझना अभी कि सर जो वर्क डन है साइंस के अकॉर्डिंगली कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और वो जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट को क्या करे? आगे मूव करे, डिस्प्लेस करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं हम कि मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, ये बॉक्स रखा हुआ है यहां पे, और आप यहां से आए और आप इसको क्या करने लगे? पुश करने लगे। तो जब आपने पुश किया तो आपने क्या करा? इस ऑब्जेक्ट पे आपने एक फोर्स एग्जर्ट करी। क्या करी? एक फोर्स
एग्जर्ट करी। जैसे आपने फोर्स एग्जर्ट करोगे, जैसे आप फोर्स एग्जर्ट करोगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक जो है आगे मूव करेगा, यानी पहले यहां पर था फिर ये यहां पर कहीं पर पहुंच जाएगा, फिर आप उसको धक्का दोगे तो ये फिर मूव करेगा। और आपने अगर फोर्स कंटिन्यूअसली लगाई तो ऑब्जेक्ट क्या है मूव करता रहेगा, ठीक है, डिस्प्लेस करता रहेगा। तो जब ऐसा हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और वो क्या करे डिस्प्लेस करे, तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, या सॉरी कि जो पर्सन है जिसने फोर्स लगाई है उसने क्या करा है, वर्क किया है। और जिस ऑब्जेक्ट ने ये डिस्प्लेसमेंट किया, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी, जिस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके लिए क्या बोलेंगे कि उस पर वर्क डन हुआ है। क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है, यानी कि इस पर्सन ने तो क्या करा है, वर्क किया है, और इस ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। बात समझ में आ रही, वर्क किसने किया, इस मैन ने फोर्स एग्जर्ट करने में, ठीक है। उस फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगी और ये आगे डिस्प्लेस करके मूव हो गया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। हमें इफेक्ट देखने को काफी मिला है इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले अपन और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन फोर्स एक्ट्स ऑन एन, व्हेन एन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, when a force acts on an object and the object moves, ठीक है, तो क्या होगा, we say that the force has done work on the object, ठीक है। एक और डेफिनेशन जो यहां से लिखी जा सकती है और करके लिख सकते हैं, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है the work done by the force, the work done by a force acting by a force acting on an object is equal to the product of the force equal to the product of the force and the displacement of the direction of force. तो ये डेफिनेशन बन जाती है हमारी किसकी, वर्क की, किसकी बन जाती है, वर्क की, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, उस पर नोट कर लो। अब आगे चलते हैं अपन, ये जो नीचे वाली डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाली तो समझ में आई होगी आपको सबको कि भाई जब हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमने बोला कि भाई ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, इस डेफिनेशन पे आते हैं। मैंने बोला वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन, यानी वर्क डन को हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे,
और मैंने क्या बोला है कि ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो डी यूज कर सकते हो, और अगर बुक में एनसीईआरटी में एस दिया तो एस यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप डी चाहो तो डी यूज कर लीजिएगा, एस चाहो तो एस यूज कर लेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो वर्क डन हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पे वो किस वजह से हुआ है, वो हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टू डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में से अगर एक भी जीरो हो जाता है, कोई एक भी जीरो हो जाता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बोल दीजिए कि वर्क डन की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में क्या होगा, वर्क डन होगा। द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं। यहां पर अभी दो तीन एग्जाम्पल्स देता हूं मैं कि भाई डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फोर्स में क्या क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, पहले इस बात को समझ लिया जाए कि भाई फॉर्मूला हमारे पास आ गई कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। यहां से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी सर, यूनिट की बात करें तो यूनिट फोर्स, सॉरी वर्क डन की निकालनी है हमें, तो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना है सर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो वर्क डन की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो एक जूल यूनिट आ गई एसआई सिस्टम में। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप निकाल सकते हैं कि इसमें सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में फोर्स क्या होती है सर, फोर्स होती है डैम और डिस्टेंस होती है सेंटीमीटर। तो वर्क आ गया हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होती है डैम और डिस्टेंस होती है सेंटीमीटर में, डैम सेंटीमीटर। ठीक है, तो डैम इनटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, अर्ग। ये हमारी होगी अर्ग, क्या हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई। अब यहां पर सवाल बनते हैं दो टाइप के कि व्हाट इज वन जूल और व्हाट इज वन अर्ग। क्या बनते हैं सवाल, यहां पर बनता है सवाल, व्हाट इज वन, छोटा जी बनाते हैं, व्हाट इज वन जूल और दूसरा बनता है व्हाट इज वन अर्ग। तो अगर हम वन जूल की बात करें तो मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं, वन जूल क्या हो जाता है, वन जूल हो जाएगा हमारा वन न्यूटन की अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई हो, जैसे कि डेफिनेशन है द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब मेरे को लिखनी होगी वन न्यूटन, सॉरी यहां पर इसको मैं कंप्लीट कर दूं, इनटू वन मीटर। और ऐसी अगर मैं वन अर्ग की बात करूं तो उसको पूरा वन अर्ग ही लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा वन डाइम इनटू वन सेंटीमीटर। अब डेफिनेशन सुनो क्या बनेगी। ठीक है, डेफिनेशन बनेगी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे कितनी, वन न्यूटन की, जब किसी ऑब्जेक्ट पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, वन न्यूटन की, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस कर जाए कितना, वन मीटर। कितना कर जाए, वन मीटर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क डन हुआ है वो कितना होगा, वन जूल का। कितना होगा, वन जूल का। ऐसे सिमिलरली अगर अर्थ की बात करें तो अगर फोर्स हो वन डायन की, मतलब और जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव करे, वन सेंटीमीटर, तो वर्क डन हो जाएगा वन अर्ग। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन में बात करूं प्रॉपर, तो वेन अ फोर्स ऑन, सॉरी वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव द डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स इज वन जूल, द वर्क डन बाय द फोर्स इज वन जूल। ऐसे डायन की हो जाएगी, जहां जहां पे हमने वन न्यूटन बोला है वहां पे वन डायन लिख देंगे, जहां वन मीटर बोला है वहां वन सेंटीमीटर कर देंगे।
ठीक है, तो वो हो जाएगा व्हेन अ फोर्स ऑफ वन टाइम एक्ट्स ऑन एन बॉडी एंड द बॉडी मूव्स और मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर देन द फोर्स या देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज 1 अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो बात हो गई हमारी यूनिट्स की कि भी व्हाट इज 1 यूनिट 1 जूल कितना होता है और 1 अर्थ कितना होता है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाले पार्ट पर। ठीक है, इसको साफ कर देते थोड़ा सा। अगर हम हमारे कोर्स की बात करें तो डायरेक्शन से रिलेटेड हमको सिर्फ 3 फॉर्मूले गिवन है। कौन से वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला हमें बोला गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव वर्क डन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क डन, या ये बोल दीजिए कि जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है भाई। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को, सॉरी इस टाइप के वर्क फॉर्म क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है जब, ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरा वापिस से, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इस पर फोर्स लगाया मैंने इस तरीके से और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां हो, अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहां हो, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस टाइप में जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव वर्क डन। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है सर, ये तो समझ में आ गया। जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए कोई भी ट्रॉली है, मान लीजिए ट्रॉली है, ठीक है, और मैंने इसको धक्का लगाया, जाए सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी वाले जो ट्रॉलीज होती है उनमें इस तरफ हैंडल होता है और सब्जी वाला इस तरीके से उसको आगे लेता जाता है, तो जैसे फोर्स लगाता जाता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट आगे होता रहता है। यही बोल दीजिए कि इधर से अपन हटा देते हैं और फोर्स को मैंने इधर से लगा दिया, जैसे कि कोई ट्रॉली ले ली वापिस से, ठीक है, इसका हैंडल इस तरफ से है, ठीक है, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में खींच, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहूंगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आते हैं अपन इस वाले केस की बात कर रहा हूं जहां पर मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव वर्क डन। क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव वर्क डन। तो अगर पॉजिटिव वर्क डन की बात करें तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए फॉर्मूला हम यही यूज करते हैं, पर अगर नेगेटिव वर्क डन के लिए बात करें तो नेगेटिव वर्क डन के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है वर्क डन इक्वल टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों हुआ ऐसा वो बात करते हैं फिर। सिंस एक चीज जो मैं बताना भूल गया कि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, जो सर फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा था पहले, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हम जानते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव से मेरा मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव से मेरा मतलब यहां पर है कि इनकी डायरेक्शन, ठीक है, इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है या फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव है तो सिर्फ इसका मतलब ये कि उनका डायरेक्शन, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करते थे तो वो सिर्फ पॉजिटिव होती थी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऐसे अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, पर जो वर्क डन है, पर जो वर्क डन है वो एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन या वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है वर्क हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। चलो इस पे आते हैं वापस से कि नेगेटिव वर्क कैसे हुआ, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, प्रोजेक्टाइल में आ रहा हम,
ये ग्राउंड है, यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा फिर वापस से नीचे की तरफ आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो पहले इस वाले केस की बात करते हैं, इसको अपन एक बार के लिए गायब कर देते हैं। अब इधर से मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जो अर्थ का अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कहां पर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। कहां पर लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि जो जी है वो कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो कहां पर है, नीचे की तरफ, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है इस केस में वो कहां पर है, नीचे की तरफ। फोर्स क्यों है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया था, ग्रेविटी नाम दिया था। ये कहां पर लग रही, नीचे की तरफ लग रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, किसी केस में यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट मूव करता जाएगा। तो हर केस में क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो कहां लग रही है, नीचे, पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहां मूव कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां पर है, ऊपर की तरफ। फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, ऊपर की तरफ। तो इस केस में जो वर्क डन होगा, इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क डन। और इसी में अगर इधर वाली साइड की बात करें, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और फोर्स भी नीचे है, तो इस तरफ जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक केस होता है जब फोर्स तो इस तरफ लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा हो, ठीक है, या वाइस वर्सा कर लीजिए कि फोर्स इस तरफ चल रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा हो, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन होता है ना वो हो जाता है जीरो, क्या हो जाता है, वर्क डन जीरो। तो तीन केसेस हो गए कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव एंड वर्क डन कैन बी जीरो, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो वर्क डन हमारा होगा पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड केस की वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्स हो गया और इस डायरेक्शन में मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और एक केस ये है कि जो वर्क डन है और जो सॉरी जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हो, परपेंडिकुलर होंगे, एक डायरेक्शन में डायरेक्शन मोशन हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, इस डायरेक्शन में फोर्स, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक। कैसे आया, उसके लिए एक फॉर्मूला है, पर क्योंकि अभी हम जूनियर क्लास में, तो अभी हमारे लिए सिर्फ यही फॉर्मूला वैलिड है, अगर हम हायर क्लास में जाएंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो हो जाता है एफ इंटू डी साइन थीटा, एफ इंटू डी साइन थीटा, सॉरी एफ इंटू डी कॉस थीटा, साइन थीटा तो वन हो जाएगा, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा, दिस विल बी आर फाइनल फॉर्मूला। और क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ी तो हमें वैल्यू पता नहीं है कॉस थीटा की वैल्यू कहां पर क्या होगी, पर जब हम पढ़ लेंगे 10th क्लास में तो हम देखेंगे कि ये सर फॉर्मूला कैसे वैलिड होता है। मैं एक बार छोटा सा आइडिया देता हूँ, अगर इसको हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री, 180 डिग्री यानी 270, और वापिस अभी इधर घूम के आएंगे तो हमको मिल जाता है 360 डिग्री। अगर कॉस की बात करें तो कॉस की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, कहां पर, 0 डिग्री पे मैक्सिमम, और 90 पे आके मिनिमम हो जाती है, यानी अगर 90 की बात करें कॉस 90 की तो वो 0 हो जाती है, और कॉस 0 की बात करें तो वो मैक्सिमम होती है। तो यहां पर कॉस 0 और मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, यानी कि यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और कॉस 90 में वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो ये जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। अगर नेगेटिव की बात करें, ठीक है, क्योंकि हम 90 से 0 की तरफ जाएंगे, हम मतलब 90 से 180 की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, तो 90 पे वैल्यू 0 मैक्स मिनिमम है, और 180 पे जाएंगे तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। पर इस बार क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जब डायरेक्शन अपोजिट है, मैं यू बोल दीजिए कॉस में जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, यहां पे नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। तो वहां से हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर नेगेटिव वर्क डन वो आ जाता है W इक्वल्स टू माइनस एफ
डी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम करके देख लेते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिलती है। चलो प्रॉब्लम पे आते हैं, मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला में यूज है। पहला प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ ये बुक से, अ बॉय पुशेस a book by applying a force of 5 newton. Find the work done by this force in displacing the book through 20 centimeter along the direction of the push। ये मेरे को प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है तो अपनी अपनी स्क्रीन पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोला है कि ये बॉय है जो एक बुश को बुक को पुश कर रहा है। इनकी डायग्राम ड्रॉ करो तो ये टेबल होगी हमारी कुछ, ठीक है ये टेबल हो गया है और इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है। ठीक है अभी जो लड़का है इस बुक को पुश कर रहा है, इस बुक को पुश कर रहा है। ठीक है फोर्स कितनी है 5 न्यूटन की, यानी कि इसको थोड़ा बड़ा ही बना देता हूं मैं कि एक बुक रखी हुई है यहां पर इस तरीके से। ठीक है इस बुक को पुश कर रहा है वो 5 न्यूटन की फोर्स से। ठीक है और हमसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बुक थ्रू 20 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कहीं 20 सेंटीमीटर इस बुक को डिस्प्लेस कर देता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया हुआ है सर 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर अगर गिवन की बात करूं पहले तो फोर्स मेरे को गिवन है कितना 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको एक डाउट दिख रहा होगा कि सर जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर और फोर्स है न्यूटन, यानी कि एक तो ऐसे ही सिस्टम में है और एक सीजे सिस्टम में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा ना कन्वर्ट, तो वो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। अब मैं यहां पर इस फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ 0.2 मीटर, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 जूल। कितना आ जाएगा 1 जूल, यानी बोल दीजिए कि पहले आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर और 1 न्यूटन मीटर हम जानते हैं कितना होता है 1 जूल। ठीक है सबको आया समझ में, चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, वो देख लेते हैं हम नेगेटिव वर्क डन वाला। ठीक है इसको इरेज कर देता हूं,
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, अ बॉल ऑफ मास 1 kg दिया हुआ है, बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड्स रीचेस अ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 meter, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग दिस ठीक है ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम पे आते हैं सॉल्यूशन। अब इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है मेरे को, प्रॉब्लम क्या बोला है मैं उसको रिपीट करता हूं। एक बॉल है जिसका मास कितना है 1 kg, जिसको कहां फेंका गया है ऊपर की तरफ, मैक्सिमम हाइट उसने जो अटेन करी है वो है 5 meter ठीक है। मुझे फाइंड करना है वर्क डन, मुझे फाइंड करना है वर्क डन। चाहे तो जी की वैल्यू हम ले सकते हैं यहां पर, ठीक है जी की वैल्यू मैं यहां पर दे देता हूं आपको 49.8 meter per second स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए ठीक है। अब सिंस कि ना तो मुझे फोर्स गिवन है तो पहले मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन जब ड्यू टू ग्रेविटी हो तो ये एक्सेलरेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जी में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है जी में। तो यहाँ पे मास हमें दिया है 1 kg और ग्रेविटेशन जो मतलब जो एक्सेलरेशन है वो है 9.8, यहां से आ जाएगा 9.8 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन का फोर्स। अभी वैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है पर क्योंकि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिया है। अभी कैसे आया है फॉर्मूला ये हमसे, सॉरी ये तो हम फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्स निकाल लिया हमने, अब आते हैं वर्क डन पे। अब सिंस मेरे को यहां पे बोला गया है कि बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है और ये जो फोर्स है वो कहां पर आया है, नीचे की तरफ क्यों आया है इसकी अगर मैं बात करूं तो जो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहां पर है, डाउनवर्ड्स है। तो एक साइड तो मुझे पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक साइड नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो जैसे हम बात करते थे कि क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड एक्स कर रहा है तो जी को हम नेगेटिव ले लेते हैं, जी को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहां पर भी जी को अगर नेगेटिव लेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगी। तो फोर्स आ गया हमारे पास -9.8। फॉर्मूला में जो याद रखना है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। फोर्स आ गया मेरे पास -9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट वॉज 5 meter। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना आएगा -49 joule, कितना आया -49 joule ठीक है। तो कुछ इस तरीके के बेसिक सवाल जो हमारे वर्क डन में बनते हैं और ये था ऑल अबाउट वर्क ठीक है। एक बार अगर मैं रिपीट करूं कि वर्क क्या क्या होता है, तो वर्क क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, सिंपल सी डेफिनेशन है वर्क की, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ठीक है। कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊं, मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मेरा हाथ, इस पर मैंने फोर्स लगाया, जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या करे, कुछ डिस्टेंस से मूव करे, कुछ डिस्प्लेस करे ठीक है। तो जब ये दो चीजें हों, क्या क्या चीजें हों, पहला ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस करे। जब ये दोनों चीजें होंगी तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, वर्क करा है। इन दोनों में से अगर एक भी चीज गई तो वर्क
जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या बन जाता है, वर्क बन जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। फिर वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, एकदम अपोजिट हो। और जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कि बीच का जो एंगल हो परपेंडिकुलर हो, या ये बोल लीजिए कि 90 डिग्री का हो, ठीक है। तब उस केस में जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल जो बेसिक से प्रॉब्लम में बनते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, वो हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है। जो कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। होप आप सबको समझ में आओ। हैव अ ग्रेट डे।